हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए ना, मैं लाइव सेशंस पे से जा रही थी लेकिन आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था। आज मैं इतना लेट हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट देन ये बताने के लिए आई हूँ कि खुशखबरी ये है कि हम आज 15.6 मिलियन हो चुके हैं, 15.6 मिलियन हो चुके हैं। हर दिन हम 1 लाख बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही कमाल की बात है कि मैं अगर ज्यादा एक्टिव नहीं भी होती हूँ फेसबुक पे, तब भी आप मेरे को अच्छी बुरी चीजों में टैग करते रहते हैं, मेरे पोस्ट को शेयर करते रहते हैं। बेहद प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। और अभी अगर आप एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं और लग रहा है कि कोई कुछ अच्छी बात बोल दी, तो मैं बस आपको ये बोलूंगी कि ये वक्त भी ना निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक चल रहा है या तकलीफ में है, देन जस्ट रिमेम्बर कि अपने आप को सबोटाज मत करो। अपने आप को ये बिल्कुल भी मत बोलो कि मेरे में कमी है या शी विल फाइंड अनदर पर्सन और ही विल फाइंड अनदर गर्ल हु विल बी बेटर देन मी। या फिर ये भी मत सोचो कि यार मैंने इस बंदे को बहुत परेशान किया या मैं कभी लायक ही नहीं थी इसके, तो ये तो मुझे छोड़ के जाने वाला था। ऐसा कभी मत करो। हर किसी के ना अपने रीजंस होते हैं। ब्रेकअप आई नो इज अ वेरी पर्सनल डैमेज, बट कारण पर्सनली मत लो। अपने आप को गालियां मत दो यार, बहुत मुश्किल से ना खुद के लिए प्यार आता है, बहुत मुश्किल से समझदारी आती है और बहुत मुश्किल से माँ बाप आपको ये बताते हैं कि यू नो व्हाट, मेरा बच्चा तो जिले में पूरा खुद दुनिया में सबसे अच्छा है। तो खुद का प्यार बनाए रखो, आईने में अपने आप को देखो और ये बोलो बार बार कि दिस ब्रेकअप, शी डिड नॉट लीव मी फॉर हाउ आई एम परफेक्ट, नॉट फॉर हर, मे बी फॉर समबडी एल्स, बट आई एम परफेक्ट, आई डिड माई बेस्ट एंड इट इज नॉट पर्सनल, बिकॉज इट नेवर इज बाबा, इट नेवर इज। लोगों के अपने अपने रीजन्स होते हैं ब्रेकअप करने के। आपका बिहेवियर या आप जैसे हैं या आप जैसे दिखते हैं, आप जो करते हैं, वो कारण ना बहुत कम होता है। तो अपने आप को ब्लेम मत करो। दूसरी चीज ये करो कि आपको क्या लगता है कि आप अपने अंदर खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं बट खुद के लिए, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप लेकर आएंगे तो आपको उससे फायदा होगा, आपकी ग्रोथ होगी और आप अपने बारे में बेटर फील कर पाएंगे। लाइक जब मेरा ब्रेकअप हुआ था बहुत सालों पहले, तो मैंने बॉक्सिंग सीखी थी और मैंने जिमिंग शुरू करना शुरू कर दिया था और मैंने ये सोचा था कि यार मैं ना सरपास कर दूंगी इस लड़के को, वो टच नहीं कर पाएगा मेरे को, जहां पे मैं पहुंच जाऊंगी ना आई विल बी अनटचेबल, आई विल बी अनरीचेबल, एंड लुक वेयर आई एम टुडे, यू नो आई हैव ऑल ऑफ यू। सो दिस इज हाउ इट इज। रिवेंज अच्छी फीलिंग नहीं होती है। द आइडिया इज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। बहुत कम लोगों के बस का होता है ये, आई अंडरस्टैंड। लोग बदला लेना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, ऑल ऑफ दैट। लेकिन अल्टीमेटली जब वो अगर आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजों से पीस बना लेना होता है। बिकॉज क्या है, प्यार का ना पहला स्टेज जो होता है वो होता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कि आप यकीन ही नहीं कर पाते कि आपका ब्रेकअप हो गया। आपको लगता है कि नहीं यार, वो हर बार की जैसे कि एक लड़ाई है, दैट्स ऑल अबाउट इट, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वक्त लगता है इसको रियलाइज करने में कि यार ये हकीकत में हो रहा है, ऐसा एक्चुअल में हो गया है, यू नो। डिनाइल फेज से जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है सैडनेस का और एंगर का। बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख होता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि हार्ट ब्रेक की जो तकलीफ है ना, वो एक्चुअली फिजिकल तकलीफ जितनी बुरी होती है। मतलब जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ पैर टूट जाते हैं ना, और तब जितनी तकलीफ होती है ना इंसान को, एग्जैक्टली वही तकलीफ दिल के टूटने में भी होती है। तो दिल का टूटना एक फसाद नहीं है, ये नकली चीज नहीं है, इट्स अ रियल डील। एंड हाय समीर, थैंक यू सो मच। It's a real deal and you have to deal with this with all the grace that you possibly can bring to the table. You understand? So, and last thing is, I think there is no last thing. That's it. Itna hi kar lo, kafi hai. Baki heartbreak na, waqt leta hai apna. आप उसको हील नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। जितना ज्यादा रबर बैंड की तरह होता है, जितना ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे फ्लिंग्स में, सेक्स में, दूसरे लोगों से मिलने में, दूसरे लोगों के पास जाके टाइम वेस्ट करने में, ताकि आपको आपका प्यार याद ना आए, उतना ही ज्यादा तकलीफ आपकी और बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली तो घर तो आना है ना, सोना तो खुद के साथ ही है ना, बगल में कोई और सो भी रहा हो, लेकिन यू हैव टू इवेंचुअली स्लीप विथ योर सेल्फ ओनली, राइट। सो बी स्ट्रांग एंड अल्टीमेटली ट्रूथ पता है क्या है ब्रेकअप का,
मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने जानने वालों के लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज मैंने सीखी है, वो ये कि रिश्ता जब टूटता है ना, जब भी ब्रेकअप होता है ना, उसके बाद जो इंसान मिलता है ना हमको, भले ही एक साल बाद मिले, दो साल बाद मिले, वो हमेशा बेटर होता है। हमेशा वो आपके लिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें लेकर के आता है। और इस बीच आप अगर अपने आप को ग्रो कर रहे होते हो तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि आप कितना ज्यादा लकी हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द लव ऑफ योर लाइफ। यू विल हैव द हॉटेस्ट गाय, हॉटेस्ट गर्ल, द बेस्ट पॉसिबल पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ यू, लव यू, मेक यू फील सिक्योर, गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डिजायर। एट द सेम टाइम यू विल रियलाइज दैट यू हैव हैड फेल्ड रिलेशनशिप्स। क्यों? ताकि ये इंसान आपको मिल सके। हर चीज का मतलब बनने लगता है धीरे धीरे, इसीलिए हताश मत हो, जस्ट होल्ड योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, यू विल बी ओके। आई गॉट यू, बाय, आई लव यू। चलो, हरी मणिकंता, हाय राजकुमार, हाय आदिल, हाय राहुल, हाय तरलोक सिंह, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाय बाबा शेख, ध्यान रखिए अपना, आई लव यू वेरी मच। 15.6 million, विच इज कितने लोग हुए हिंदी में पता ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मेरे घर के बाहर आओगे तो इतना सारा जमावड़ा हो जाएगा, दूर तक, चौराहे तक, मेरे ख्याल से 1 करोड़ के ऊपर है यार, मजाक है क्या? हाँ, है ना? आई लव यू, बाय।